तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो कैमरा है, होता है बोल सकते हैं कैमरा होता है, उसके एक हिडन टिप बताने वाला हूँ। ये जो हिडन टिप या हिडन फीचर बताने वाला हूँ, बहुत यूजफुल फीचर है, बिल्कुल छोटा सा ही है बट बहुत काम का है। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में फोटोज़ खींचते हैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत काम आएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कैमरा के हिडन टिप या हिडन फीचर बताने वाला हूँ। उसके लिए अगर आप अपने कैमरा ऐप में जाएंगे, कैमरा ऐप में जाने के बाद अगर आप कोई फोटो को क्लिक करना चाहते हैं, लाइक मान लो मुझे इस फोटो को यहाँ पर क्लिक करना है, ये चार्जर को यहाँ पर कैप्चर करना है, तो आप यहाँ पर क्या करते थे, इस पर गए, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपने फोकस को सेट करा, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप फोटो क्लिक कर लेते थे। बट ये कभी कभार क्या होता है, ये फोटो सही नहीं आती है, सही आपकी पोजीशन नहीं आती। तो आपको एक सैमसंग गैलेक्सी में एक फीचर मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही काम का ये फीचर है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको शूट सजेशन वाला ऑप्शन, आपको मिल रहा होगा सेकेंड नंबर पर ही शूट सजेशन वाला ऑप्शन, गेट ऑन स्क्रीन गाइड टू हेल्प यू लाइन अप अ ग्रेट शूट। आपको उस पर क्लिक कर लेना है और उसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद अब आपको क्या होगा, अगर मान लो अब आपको कोई फोटो क्लिक करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, वो आपको बताएगा बैच शूट के लिए, आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप वहाँ पर लेके जाएंगे और ये फोटो क्लिक करेगा तो इसको कहते हैं बैच शूट फोटो, आपको दिख रहा होगा इस फोटो की जो एंगल होगा, और ये चाहे आप पोर्ट्रेट मोड पे हो तो भी वर्क करेगा, और अगर आप लैंडस्केप मोड पे भी यूज़ करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। कैसे, अगर मान लो मैं इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ, लैंडस्केप में करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे अब मैं आ गया हूँ ऐसे, तो भी आपको ये वर्क करके बता रहा है, आपको दिखा देगा। अगर आप गलत साइड हो तो आपको नीचे यूँ मूव करके यहाँ लेके आ रहा है। जब पूरी येलो लाइन हो जाएगी तो मतलब कि आप सही कैप्चर मोड पर आ चुके हैं और आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप कोई भी चीज़ पे हो, चाहे फोटोज़ खींच रहे हो, चाहे कुछ भी हो, तो भी ये काम करेगा। आप देखेंगे जैसे मैं अपने हाथ पे ही आ गया हूँ तो यह मुझे बता रहा है बैट शूट फोटो के लिए। मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये बैट शूट फोटो हो जाएगी। तो एक छोटा सा हिडन फीचर था या हिडन टिप था, बहुत कम लोगों को ही पता होता है और बहुत लोगों को पता भी होगा यार, बट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।